हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी आना। मैं सौम्या सिंह। आज हम आपके लिए हल्के फुल्के स्नैक्स लेकर आए हैं जो सूजी और आलू से बने हैं और झटपट बनते हैं। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हल्के फुल्के स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस पर एक फ्राई पैन रखा है और इसमें हम 2 कप पानी डाल देते हैं। पानी को हमें बहुत ही अच्छे से गर्म करना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। तो इसी के साथ इसमें 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। तो यहाँ मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है, आप अपने अनुसार भी इसे डाल सकते हैं। इसी के साथ इसमें अदरक डाल रहे हैं, अदरक का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने 1/2 चम्मच अदरक डाला है। पानी में उबाल भी आ गया है तो अब इसमें 1 कप सूजी डाल रहे हैं। 2 कप पानी डाला था और 1 कप सूजी डाला है मैंने। फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और इसे हम लगातार चलाएंगे जब तक सूजी पानी को अच्छे से पी ना ले, यानी सूजी बिल्कुल फूल कर एक डो ना बन जाए। तो इसे लगातार चलाएं और अच्छे से मिलाएं, इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। सूजी ने पानी को बिल्कुल पी लिया है और इसका एक डो बनना शुरू हो गया है। तो बस इसी तरह का हमें सूजी का डो चाहिए। बहुत ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा सूखा यानी ड्राई नहीं होना चाहिए। तो बस गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे जिससे इसे हम छू सकें, क्योंकि इसे हमें थोड़ा मसलना है और इसमें आलू भी मिक्स करना है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसे ठंडा कर लिया है। अब इसमें 1 कप कद्दूकस किया हुआ उबला हुआ आलू डाल देते हैं। यहाँ मैंने 1 कप सूजी लिया था और 1 कप मैंने इसमें आलू डाला है। चाट मसाला डाल रहे हैं 1.5 चम्मच। जैसे ये हल्के फुल्के स्नैक्स बहुत ही चटपटे बनेंगे, साथ में इसमें 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल रहे हैं। इसे आप अपने अनुसार भी डाल सकते हैं, जितना भी आप तीखा खाना पसंद करते हो। और अगर आप लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो आप हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। तो फटाफट सभी चीज़ को मिला लेते हैं। तो यहाँ हम हाथ का यूज करते हैं और इसका एक डो बना लेते हैं। डो बिल्कुल तैयार है। अब मैंने हाथ पर हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगाया है और इसकी हम छोटी छोटी बॉल बनाएंगे यानी गोलियां बनाएंगे, क्योंकि आज जो स्नैक्स बनेंगे वो बिल्कुल गोल गोल छोटे छोटे बनेंगे जो सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। ये देखने में जितने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, खाने में उतने ही मज़ेदार हैं और बहुत ही हल्के हैं, लाइट हैं। और इसे आप चाय के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाला है। तो इसी तरह मैंने सभी बॉल्स को बना लिया है। तेल को गर्म कर लिया है और फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई रखा है। इसे आप मीडियम या स्लो फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो सूजी तेल सोख लेगी और बहुत ही ज़्यादा ये ऑयली हो जाएगा। तो सभी बॉल को डाल देते हैं और इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह नई नई रेसिपी लेकर आते रहते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये स्नैक, छोटे छोटे रसगुल्ले लग रहे हैं और ये फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं और इसी तरह सभी जो बॉल्स हैं उन्हें फ्राई कर लेंगे और बहुत ही आसानी से बन जाता है। केवल सूजी और आलू की ज़रूरत है और ये स्नैक्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो ये देखिए यहाँ जो हल्के फुल्के स्नैक्स हैं जो आलू और सूजी से बने हैं, ये बिल्कुल तैयार हैं। तो फटाफट कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और भी कोई भी रेसिपी की डिमांड है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो एक बार फिर से मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।